सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट वीवो 5G मोबाइल अंडर 20,000, जहाँ पे आपको सिर्फ 20,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, ओआईएस वाला कैमरा मिलेगा, 6,000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलने वाला विद 44 वाट फास्ट चार्जिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग वाला कैमरा भी मिलने वाला है और भी काफी तगड़े फीचर मिलने वाला है सिर्फ 20,000 के अंदर। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, अदर फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ये डिवाइस है वीवो की वीवो T2X 5G। दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और जो कैमरा मॉडल है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, बॉक्सी डिजाइन होगा, बैक आपको प्लास्टिक का मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, बात करें मोबाइल के अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी बात है। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000 एमएच का बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों, ये एक 5G डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको दिया गया MediaTek Dimensity 6020 पावरफुल 5G चिप जो 7nm पे बेस है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको 6 5G बैंड देखने को मिलेगा, तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है। तो यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो, अच्छी खासी फ्री फायर PUBG चल जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो काफी तगड़ी है। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP प्लस 2MP और फ्रंट कैमरा आपको 8MP का मिल जाएगा। दोस्तों, बात करो रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा की जो फोटो क्वालिटी है वो काफी तगड़ी है। जिसके पता है वीवो डिवाइस कैमरा के लिए जाना जाता है, तो आपको अगर 12,000 के अंदर बेस्ट कैमरा सेंट्रिक 5G मोबाइल चाहिए तो इसके साथ जाओ जा सकते हो। पर्सनली मैं भी बहुत टाइम से इस डिवाइस को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो फोटो क्वालिटी है ना वो काफी तगड़ी है। और मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी बात लगती है इस डिवाइस की, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैमरा में फीचर मिल जाएगा, मतलब लिटरली आपकी जो फेस है उसे कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो इस कैमरा की मदद से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस कैमरा को। तो आप भी अगर चाहते हो 12,000 में बेस्ट कैमरा सेंट्रिक मोबाइल लेना, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस वो 13,000 है बेस वेरिएंट की, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 600 का डिस्काउंट देखने को मिलता है और सेल पे यहाँ पे आपको 1,000 का भी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो 12,000 के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलने वाले, डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाले, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2MP का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB,
6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 44W की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो क्या इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500, सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T2 Pro 5G, जो एक प्रीमियम सेगमेंट की डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो इस डिवाइस की वेट ओनली 175 ग्राम है, तो ये काफी हल्का और स्लिम है। वहीं पे यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है प्लास्टिक बैक के साथ। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और कैमरा के साथ यहाँ पे आपको ऑरा लाइट के फीचर भी दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का HDR10+ AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी स्मूथ कर देगा। इस डिस्प्ले पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस डिस्प्ले पे आपको 1300 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया, जिसकी मदद से आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाला है 20:9 रेशियो के साथ। तो डिस्प्ले की बात किया जाए तो काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है विथ OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस डिवाइस से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। दो कैमरा के साथ साथ यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी दिया गया, जो काफी न्यू वाला एक फीचर है, जो इस मोबाइल को और भी ज्यादा प्रीमियम एक फील देता है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 7200 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, जहाँ पे इस डिवाइस के एंटीटू स्कोर 720,000 से भी ज्यादा है, तो एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। बात करें इस डिवाइस की रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 8GB+128GB 8GB+256GB। बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4600mAh का बैटरी मिलने वाला है विद 66W फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी थोड़ी सी कम है, पर यहाँ पे आपको 66W की फास्ट चार्जिंग मिलता है, जिसकी मदद से 1-50% चार्ज सिर्फ 22 मिनट पे हो जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 फन टच ओएस 13 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो था इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड 8GB+128GB है उसके करंट टाइम पे प्राइस 23,999 मतलब 24,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 2000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको 22,000 के अंदर मिल जाता है। वो भी बात करें अदर ब्रांड 8GB+256GB, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 24,999 है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G, अभी सेल चल रहा है और सेल पे यहाँ पे मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो जान लेते हैं क्या कुछ आपको फीचर इस डिवाइस में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा 6.38 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, जहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा विद 90Hz रिफ्रेश रेट, आपको मिलेगा 1300 नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे आप हाई क्वालिटी पे
कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छा है। सब दोस्तों डिस्प्ले नहीं, इसके साथ साथ इसकी जो कैमरा है वो भी काफी शानदार है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद OIS। हाँ दोस्तों OIS के सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। और पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों इस डिवाइस को आप कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के लिए भी खरीद सकते हो। जैसे कि पता है वीवो के मोबाइल कैमरा के लिए जाने जाते हैं, तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों ये प्रोसेसर काफी तगड़ी है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 4500mAh का बैटरी विद 44W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आपकी जो मोबाइल की चार्ज है वो 25 मिनट पे 50% हो जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस में आपको मिलने वाला एमोलेड डिस्प्ले, तो इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस नॉर्मल टाइम पे 17,000 रहता है, पर अभी सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ दोस्तों आपके पास अगर है HDFC SBI की क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, तो आपको मिल जाएगा 2,000 रुपए का मैसिव डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो 15,000 हो जाएगा। इस टाइम पे अंडर 15,000 पे इंडियन मार्केट पे ये मोबाइल वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप अगर लेना चाहते हो 15,000 के अंदर एक 5G डिवाइस, तो आंख बंद करके इसके साथ जरूर जा सकते हो। काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस डिवाइस की वेट होने वाला है 185 ग्राम। तो डिवाइस काफी हल्का है, तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वह बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलने वाले है। उसके साथ साथ एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 1800 नीट पीक ब्राइटनेस, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ब्राइटनेस काफी तगड़ी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 86.8% स्किन टू बॉडी रेशियो, जहाँ पे आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलने वाला है। मेन कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे यूज किया गया है सोनी का IMX882 OIS सेंसर। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेंसर मिलने वाला है, जो है फ्लिकर सेंसर। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और कैमरा काफी अच्छा निकल के दे देता है ये डिवाइस। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 7200 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है, इसकी जो एंथुसु स्कोर वो 7,34,000 से भी ऊपर जाता है। तो आप हाई लेवल की गेम भी इस डिवाइस पे खेल सकते हो, तो गेमिंग डिवाइस के लिए भी इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलने वाला 8GB 128GB 8GB 256GB। वहीं पे इस डिवाइस पे 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 44W फास्ट चार्जिंग। इस मोबाइल की सिक्योरिटी पे आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 और फंटच ओएस 14 पर। तो दोस्तों ये तो का इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड 8GB 128GB है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 19,999 है, मतलब 20,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 2000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 18,000 के अंदर आ जाता है। वहीं पे जो सेकंड वेरिएंट है 8GB 256GB, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 22,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है।